मैजिक। जी हाँ, डेंजरस ब्लैक मैजिक आज का कॉकटेल का नाम है और ये मैं काला जादू करने वाला हूँ, मतलब आज का जो कॉकटेल है। और इस कॉकटेल का जो रेसिपी है इतना सिंपल रखा कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट से मैं बनाऊंगा। अच्छा, इसका नाम है ब्लैक मैजिक क्यों रखा, सोचा है आपने? मैं आपको बताता हूँ, जब जब हम लोग ना ड्रिंक करते हैं शाम के टाइम पे घर में, तो ना वाइफ अक्सर टांग अड़ाती रहती है। अक्सर वाइफ आके बोलती है, तुम्हारा रोज रोज का ड्रिंकिंग का नौटंकी ज्यादा हो रहा है, कम करो। या बोलती है कि आज फिर बैठ गए, फिर दारू पीने के लिए बैठ गए। मतलब हर एक बात में टांग अड़ाना बहुत जरूरी है। और इससे छुटकारा पाने के लिए मैं बोलूं कि एक ब्लैक मैजिक करते हैं, एक फैंटास्टिक कॉकटेल बना के अपना ही वाइफ को पिला लेते हैं। तो ये जो मैजिक है ना, ये जो जादू है ना, इसके कारण आपका वाइफ हल्ला गुल्ला नहीं करेगी, जब जब आप पियोगे आराम से पीते रहोगे। मजा कर रहा हूँ, बट कॉकटेल देख लीजिए। तो ये है इंग्रेडिएंट लिस्ट, एक बार आराम से देख लीजिए कि क्या क्या आपको चाहिए। और हाँ, मैं इन दोनों चीज से मैं बनाऊंगा MTSR मतलब मेट्रोटेसर का ब्लैक करंट सिरप और AMG कार्बोन वॉडका से। जी हाँ, कार्बोन और ब्लैक करंट अच्छा कॉम्बिनेशन होगा, तो इसलिए मैंने इन दोनों को चुना। तो फर्स्ट मैं एक ग्लास लूंगा। जी हाँ, ये ब्लैक मैजिक मतलब डेंजरस ब्लैक मैजिक अपना वाइफ को पिलाने के लिए। इसमें मैं दूंगा हरा मिर्चा। बाय द वे, मेरे पास हरा मिर्चा नहीं है, मैंने लाल मिर्चा चुन के लाया। मतलब पिलाएंगे ना फाड़ देंगे, मतलब इसीलिए मैंने लाल मिर्चा चुन के लाया। अभी मैं देखो यार, बीबी तो अपना ही होता है ना, तो मन तो कर रहा है कि एक फुल मिर्चा दे दूँ और एकदम फाड़ दूँ, बट नहीं यार, अपना ही बीबी है तो इतना अत्याचार करना भी सही नहीं है। तो आधा दे दीजिए, ज़्यादा मत दीजिए, ये आधा टुकड़ा दे दीजिए और इसको थोड़ा सा मसल लीजिए, सो दैट जब हम लोग इस कॉकटेल को बनाएंगे तो अच्छा एरोमा निकल के आए। ठीक है, ये हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग डालेंगे AMG कार्बोन वॉडका। जी हाँ, ये जो वॉडका है ये प्योर रशियन वॉडका है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देता है जो भी आप कॉकटेल बनाइएगा। इवन कोई भी फ्रूट्स के साथ अगर बनाइएगा तो बहुत मस्त टेस्ट करता है। ये हम लोग देंगे 45 ml। तो चलिए पोर करते हैं, ज़्यादा ओवर पावरिंग नहीं चाहिए, तो इसलिए 45 ml ये मैंने डाल दिया। आफ्टरऑल वाइफ पिएगी ना, तो ज़्यादा पिला देंगे तो फिर खाना कौन बनाएगी, है ना। अच्छा, अब MTSR का ब्लैक करंट सिरप। ब्लैक करंट मतलब जामुन, जामुन सिरप अपने जानते होंगे। ये जामुन सिरप हम लोग देंगे इसमें 30 ml। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देगा इस कॉकटेल को, इसमें बहुत अच्छा एक फ्लेवर ऐड करेगा। तो मैं 30 ml MTSR सिरप डाल दिया अंदर में और ये ब्लैक इफेक्ट भी देगा, काला जादू मैं करने वाला हूँ ना। और ये देखिए कैसा ब्लैक की एक इफेक्ट दे दिया। और काला जामुन के साथ हरा मिर्चा बहुत मस्त लगता है। याद है जब छोटे उम्र में हम लोग काला जामुन तोड़ के लाते थे और उसको मिक्स करते थे, है ना। अच्छा, तो फिर ये बन गया। अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो फिर लाइम जूस देंगे, लाइम या लेमन जूस जो भी है आपके पास। मैंने फ्रेशली क्विस्ड लाइम जूस रखा था। इस कॉकटेल को बैलेंस करने के लिए आपको थोड़ा सा लाइम जूस देना होगा। बाय द वे, अगर आप MTSR जो सिरप है, ये मैथ्यूटेसायर का ब्लैक करंट सिरप अगर खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, तो उस लिंक से परचेस कीजिए तो थोड़ा बहुत मेरा भी आमदनी हो जाएगा। अच्छा, तो लाइम जूस दे दिया इस कॉकटेल को बैलेंस करने के लिए। और अभी इसमें क्या करना है, सिंपली आइस पोर कर देना है। तो ये मैं दो आइस पोर कर दिया, बड़ा सा आइस मैंने दे दिया। अब आराम से सोडा से टॉप अप कर दीजिए। अगर आपके पास आप सोडा नहीं देना चाहते हैं, मान लीजिए आपका जो पैलेट है ये थोड़ा स्वीट है, तो आप स्प्राइट भी इसमें ऐड कर सकते हैं, स्प्राइट या 7 अप आप ऐड कर सकते हैं। बट मैं सोचता हूँ कि सोडा देना बेहतर होगा, तो इसलिए मैं सोडा यहाँ पर पोर कर दूंगा। अरे बाप रे, पूरा भीग गया यार, देखो देखो क्या चितर बितर हो गया यार। ये यही चक्कर है, मतलब समझ में नहीं आता कि कौन सा सोडा पावरफुल होगा कौन सा नहीं। चलो कोई बात नहीं, ड्रिंक तो बन गया, ब्लैक मैजिक तो बन गया। अब मैं इसको अच्छा करके ट्विस्ट कर लूंगा इस ब्लैक मैजिक को। ये देखिए, अभी थोड़ा सा इसका जो सिरप है इसको भी थोड़ा ट्विस्ट कर लेते। बाय द वे, जगह बहुत गंदा हो चुका है, थोड़ा साफ भी कर लेता हूँ, है ना। तो अभी साफ सफाई हो गया है, अब गार्निश की बारी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस कॉकटेल का नाम रखा हूँ काला जादू, डेंजरस ब्लैक मैजिक, तो उस हिसाब से गार्निश भी तो वैसे ही होना चाहिए।
तो ये देखिए मैंने ऑलरेडी एक फैंटास्टिक गार्निश बनाया नींबू और लाल मिर्चा को साथ में लगा के। आपको डाल देना है ऐसे यहाँ पर और आपको फिर लगा देना है ऐसा कोई पीन से। ये देखिए मेरे पास पीन है तो इस पीन से मैं इसको यहाँ पर लगा दूंगा। आराम से लगाना है। हाँ तो ये काला जादू बनके रेडी है, ब्लैक मैजिक, डेंजरस ब्लैक मैजिक। अब मैं इसको टेस्ट करूंगा। बाय द वे मैं बेचैन हो रहा हूं कि इसको टेस्ट करने के लिए कि कैसा बना है। तो चलिए 1 2 3 जय हो। बहुत ही डिलीशियस बना है, बहुत ही बैलेंस बना है। इसमें वो पंच आ रहा है वोडका का, साथ में ब्लैक करंट बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस हुई है और तो और वो जो तीखा मिर्चा है ना वो भी काफी हद तक माउथ में आ रहा है, बट मुंह ना थोड़ा वाटरी हो गया। तो कैसा रहा मेरा डेंजरस ब्लैक मैजिक जो आपके वाइफ के लिए है? अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज फ्रेंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज 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 ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।